Hi guys, I'm back again on my YouTube channel and I'm really excited to share the tips and strategies with you. And I want to make one announcement, that is, I have started my IELTS offline and online classes because guys, many people have contacted me and they got good results. So guys, just WhatsApp me at this number if you're interested for the classes. Here we go. In this video, I'll be discussing the IELTS writing task to synonyms. बट बिफोर दैट गाइज यहाँ पे मैं पोल रिजल्ट शेयर करूंगी. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे गाइज रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि दैट माई व्यूअर्स वोटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो शुड बी बेस्ड ऑन आइल्स राइटिंग टास्क टू सिनोनिम्स. इसीलिए गाइज मैंने 3 सितंबर की प्रेडिक्शन नहीं की. सो मेजॉरिटी विंस गाइज एज यू नो. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वोंट टेल यू दैट इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स इसके बनाए हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर 2 थंबनेल्स. यू कैन चेक इन द आई बटन. देख के बोलोगे नहीं ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, ऐसा है वैसा है. गाइज डोंट जज, बट उससे पहले ये दोनों वीडियोस देख लेना अगर और वोकैबुलरी इन्हांस करनी है. अगर आइल्स राइटिंग टास्क 2 में सिनोनिम्स लिखने हैं तो प्लीज डू वॉच दीज वीडियोज Part 1 and Part 2. ये वाला गाइज Part 3 बना है आपके डिमांड पर. नाउ गाइज व्हाट्स दिस वार्निंग इन दिस वीडियो. वार्निंग क्या है? यूज ऑफ सिनोनिम्स. स्टिल गाइज बैंड्स आर डिडक्टेड. सिनोनिम्स बहुत ज्यादा यूज करते हो अपने आइल्स राइटिंग टास्क 2 में, बट स्टिल बैंड्स की डिडक्शन हो रही है. गाइज आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. Do you know guys that vocabulary stands for 25% of your bands? इसीलिए guys synonyms यूज करने जरूरी हैं और I would say vocabulary जरूरी है in IELTS writing task 2. That is why I have made the video on this topic and moreover guys इससे पहले 2 parts भी बनाए हैं मैंने, so do watch them. Use of synonyms in a correct way. Guys नहीं पता है कि हम यूज कैसे कर सकते हैं synonyms को अपने आइल्स राइटिंग टास्क 2 में, तो कैसे करेक्ट यूजेज हो सकती है आई डिस्कस इन दिस वीडियो. प्लस गाइज उसको कैसे समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस सैम्पल्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है. सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर मीनिंग बट नॉट द सेम. गाइज इनके मीनिंग मिलते जुलते हो सकते हैं बट एग्जैक्ट नहीं होते हैं. इसीलिए गाइज आप जो सिनोनिम्स लगाते हो अपने टास्क में वो गलत होते हैं. सो इट्स यूजेज नीड्स टू बी अंडरस्टूड. उनको यूज कैसे करना है और कब करना है ये इम्पॉर्टेंट है. सो गाइज इसी के बारे हम टास्क में डिस्कस करेंगे, सो दैट यू आर वेल क्लियर हाउ टू यूज द आइल्स राइटिंग टास्क टू सिनोनिम्स इन अ करेक्ट वे. फर्स्ट इज वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड है आपके आइल्स राइटिंग टास्क 2 में. So guys, what kind of synonyms we can use for IELTS writing task 2 for the word world, worldwide, universe, everywhere, every nook and corner, globe, globally. अब guys हर एक की usage differ करेगी, change होगी as per the grammatical structure. सुन लो guys, don't forward it again and again. ये चीज बहुत जरूरी है सुननी. आपको हर एक वर्ड का मतलब तो शायद पता हो बट उसको यूज कैसे करना है वो चीज जरूरी है. दैट इज वाई आई एम फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी वर्ड अगेन एंड अगेन. आप जाइए गाइस पिछले मेरे Part 1 Part 2 भी देख लो. आई हैव मेंशनड इट अलोंग विद द सेंटेंस सैंपल. सेंटेंस सैंपल क्यों देती हूँ, सो दैट यू आर क्लियर. सो द इशू हैज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड. गाइज मैं यूजेज बता रही हूँ कि वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं. दिस प्रॉब्लम कैन बी फाउंड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. एग्जाम्पल गाइज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन हर जगह होता है, तो यू कैन से दैट पॉल्यूशन कैन बी फाउंड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. तो गाइज दिस इज हाउ वी यूज द आइल्स राइटिंग टास्क टू सिनोनिम्स इन अ करेक्ट वे. इसीलिए गाइज सेंटेंस सैंपल देती हूँ हर एक वर्ड के साथ. नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स. बहुत कॉमन वर्ड है गाइज यू नो इन योर आइल्स राइटिंग टास्क 2. सो व्हाट काइंड ऑफ सिनोनिम्स वी कैन यूज फॉर द वर्ड स्टूडेंट्स इन आइल्स राइटिंग टास्क 2. पीपल्स, लर्नर, स्कूल चाइल्ड, school going children, disciple, undergraduate. अब गाइज सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है सो दैट यू आर वेल क्लियर कि उसकी यूजेज है क्या. प्यूपल्स, लर्नर, स्कूल चाइल्ड, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, डिसाइपल, गाइज ये यूज हो सकते हैं कहीं भी कैसे भी. इन टर्म्स ऑफ स्कूल की बात करें, लास्ट वाला अंडर ग्रेजुएट जो है गाइज ये इन टर्म्स ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यूज होगा. माइंडेड गाइज कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट का मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने फर्स्ट डिग्री ली है बट अभी कंप्लीट नहीं की है, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के केस में अंडर ग्रेजुएट वर्ड यूज हो सकता है. बाकी वर्ड्स हम स्कूल जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं. अब हम जानेंगे गाइज कि इनको यूज कैसे करना है. लेट्स हैव द सेंटेंस सैंपल. डिसाइपल्स नीड टू फॉलो द रूल्स. क्लियर गाइज कैसे यूज करते हैं डिसाइपल वर्ड को. नेक्स्ट गाइज अंडर ग्रेजुएट वर्ड यूज किया है मैंने. द अंडर ग्रेजुएट्स आर हायर्ड लेस बाय द कंपनीज एज दे आर फ्रेशर विद नो एक्सपीरियंस. सो आर यू गेटिंग गाइज, मैंने हर एक वर्ड जो है आपको बताया है कि इसको कहाँ कैसे यूज करना है प्लस विद द सेंटेंस सैंपल. सो गाइज लाइक तो गाइज बनता है बिकॉज कंटेंट ऐसे नहीं बनता है, इट टेक्स टाइम. और गाइज मैं अपना टाइम एफर्ट दोनों लगाती हूँ सो दैट कि मेरी वीडियो आपको समझ आए. सो हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज IELTS Cracker. देन वी हैव द वर्ड टीचर, एजुकेटर, ट्यूटर, कोच. गाइज ये वर्ड हम स्पोर्ट्स के केस में यूज करेंगे, तभी गाइज मैंने ब्रैकेट में स्पोर्ट्स वर्ड लिखा है. सॉरी. देन वी हैव ट्रेनर. ट्रेनर गाइज किसी कोर्स के लिए होता है, तो हम किसी कोर्स की बात कर रहे हैं तो तब हम ट्रेनर वर्ड यूज कर सकते हैं. गाइड, प्रोफेसर. प्रोफेसर गाइज कॉलेज के केस में होगा या यूनिवर्सिटी के केस में हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली गाइज स्कूल के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं. इंस्ट्रक्टर, एजुकेशनलिस्ट, मेंटोर, अ ग्रेट एडवाइजर. अब गाइज ध्यान रखना ये सारे मैंने ब्रैकेट्स में क्यों लिखी हैं, सो दैट यू आर क्लियर वेयर टू यूज दिस वर्ड्स इन योर IELTS राइटिंग टास्क 2 इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स. सो मेंटोर गाइज क्या होता है? जो एक बहुत ज्यादा आपको एडवाइस अच्छा दे, सो हु इज अ ग्रेट एडवाइजर. सो टीचर के लिए गाइज दीज आर ऑल द सिनोनिम्स that we can use in IELTS writing task 2. बट अब इसकी यूजेज क्या है, कैसे हो सकती है? An educationalist has a great role in the development of a child, especially in the former years of schooling. तो guys clear है कि एक educationalist का बहुत रोल होता है, बड़ा रोल होता है एक child की development में. कब? जब उसके starting years होते हैं स्कूल में. सो इन टर्म्स ऑफ स्कूल हम इन वर्ड को यूज कर सकते हैं, टीचर, एजुकेशनलिस्ट. ऑलराइट, अब कोच की बात करते हैं. मैंने कोच बताया था कि वो स्पोर्ट्स के केस में हम यूज करते हैं, एग्जैक्टली टीचर के लिए यूज नहीं होगा. सो अ प्रोफेशनल कोच ऑल्सो एड्स इन अपलिफ्टिंग द रेपुटेशन ऑफ अ कंट्री. मीन्स एक कोच का भी एक रोल होता है किसी कंट्री को अपलिफ्ट करने का, उसकी रेपुटेशन को. Now let's move on to the next word, method. Guys बहुत common word है in your IELTS writing task 2. So what are the synonyms we can use in our IELTS writing task 2? Way, procedure, system, ways and means, technique, strategy. So these are all the synonyms for the word method in your IELTS writing task 2. So let's have the sentence sample. Numerous ways can be implemented to curb this concern. Guys क्या मतलब है इसका कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम इस इशू या इस कंसर्न को कर्ब कर सकते हैं. कर्ब मीन्स रोकना. नेक्स्ट, अ पुअर इकोनॉमी रिक्वायर्स अ वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी टू अपलिफ्ट इट्स कंडीशन. स्ट्रैटेजी वर्ड गाइज यूज किया है मैंने इसमें, तो एक कोई भी इकोनॉमी है जो अंडर डेवलप्ड है या पुअर है तो उसको क्या रिक्वायर्ड है, दैट इज अ वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी. सो दिस इज हाउ वी गाइज मेक यूज ऑफ synonyms in IELTS writing task 2. Then the next word is reasons. ये भी guys बहुत common word है in your IELTS writing task 2, बहुत बारी repeat होता है. What kind of synonyms we can use in IELTS writing task 2? Causes, logic, basics, rational, motive. So इनको guys कैसे use करना है, let's have a look on the sentence sample. The rationale behind changing the legal age for driving is worth considering. गाइस टास्क है ना आपका, शायद पता होगा जिन्होंने किया होगा, जिसमें वो लीगल एज की बात करते हैं कि ड्राइविंग में लीगल एज जो एक्चुअल है उसको बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, जैसे भी है टास्क के बारे में. तो गाइस उसमें हम उस केस में या किसी और टास्क में भी वर्ड यूज कर सकते हैं. आई मीन टू से आपको इसकी यूजेज क्लियर होनी चाहिए. तो इसका क्या मतलब है कहने का कि अगर लीगल एज ड्राइविंग की चेंज होती है या जो भी चेंज होनी है उसके पीछे जो रीजन है वो वर्थ कंसिडरिंग है. रीजन या लॉजिक कह सकते हो, वो वर्थ कंसिडरिंग है. वर्थ कंसिडरिंग मीन्स उसको कंसिडर करना सही रहेगा. Next is the government needs to evaluate the basics behind the development of museums. Again guys, here I have made the use of basics. अब basics का मतलब यहाँ पे synonym use किया guys मैंने. इसका इस word का meaning और भी बहुत सारे हैं, but इस sense में use किया गया है just because यहाँ पे ये denote कर रहा है उसके reasons को. मीन्स गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए क्या कि म्यूजियम्स को क्यों डेवलप करना चाहिए. क्यों डेवलप करना चाहिए तो मीन्स आई हैव रिटन द वर्ड बेसिक्स इंस्टेड ऑफ रीजंस. तो गाइज दीज आर द वर्ड्स वी कैन यूज. नेक्स्ट वर्ड इज सॉल्यूशन. अगेन गाइज सच अ कॉमन वर्ड. सो व्हाट काइंड ऑफ सिनोनिम्स वी कैन यूज फॉर आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2? आइडिया, रेमेडी, क्योर, मेजर, प्रिकॉशंस, इनिशिएटिव्स, सजेशंस. ना गाइज ये भी सारे वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं फॉर द वर्ड सॉल्यूशन. इनको हम यूज कर सकते हैं इन आवर आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2, बट इनको यूज कैसे करना है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दी सेंटेंस सैंपल. लास्ट गाइज वर्ड रह गया था पार्ट, सॉरी. सो नाउ Let's have the look on the sentence sample. Guys, कैसे यूज करेंगे? Now, corrective measures can be a great idea to address this problem. Measures word guys मैंने यूज किया है यहाँ पे solutions के बदले. Corrective measures means सही मायने में अगर कहें हम कि अगर सही solution लिए जाएंगे तो इस problem को हम solve कर सकते हैं, address कर सकते हैं. Constructing green areas can work out to be a better remedy for ever increasing pollution. Again guys यहाँ पे solution को मैंने क्या लिखा है, remedy. तो अगर green areas construct होंगे तो pollution किसी हद तक उसको हम कम कर सकते हैं जो कि बढ़ रहा है. उसके लिए एक remedy क्या है, एक solution क्या है, that is constructing the green areas. So are you getting it guys? मैंने सेंटेंस सैम्पल इसीलिए दिया है सो दैट यू आर वेल क्लियर कि इन सेंटेंस को आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 में कैसे यूज करेंगे. यूजेज बहुत जरूरी है. टेक्नोलॉजी के लिए guys क्या वर्ड हो सकते हैं, हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिक गैजेट्स, ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, मैकेनिक्स. Now how to use these words? Let's have a look on the sentence sample. Automation will certainly lead to the unemployment in the future. क्या मतलब है guys? अगर सब कुछ automatic हो जाता है तो ultimately unemployment होगी in the future. Mechanization has brought a massive change in the production of automobile products. तो गाइज मैकेनाइजेशन भी अगेन क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन है ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स की वो भी टोटली बहुत ज़्यादा चेंज हुई है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. मीन्स मैग्नाइजेशन. So guys, are you clear how I am using the synonyms in IELTS writing task 2? Then we have the word country. Country guys, again this is such a common word. क्या synonyms हो सकते हैं? Land, region, nation, homeland, native country, native soil, birthplace, and sentence sample guys. Nowadays students leave their native country in the search of a better lifestyle. Of oh guys साथ में लिखा गया, sorry for that. So are you clear guys how to use these synonyms? अब इसके लिए guys लैंड, रीजन, नेशन तो किसी सेंस में यूज हो सकता है, बट जो लास्ट वाले वर्ड हैं होमलैंड, नेटिव कंट्री, नेटिव सॉइल, बर्थ प्लेस, इनका सबका मीनिंग सेम है. तो यू कैन रिप्लेस एनी ऑफ द वर्ड फॉर एनी अदर वर्ड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड लेजर. गाइस ये भी बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है इन योर आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2. सो व्हाट काइंड ऑफ सिनोनिम्स वी कैन यूज? फ्री टाइम, leisure time, spare time, idle hours, vacant hours, time off. So guys सबका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, इसीलिए मैंने किसी को डिस्टिंग्विश नहीं किया ब्रैकेट में कुछ डाल के, क्योंकि ये आपस में guys यूज हो सकते हैं. वर्ड कोई भी किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में इजिली फिट हो सकता है. Now let's have a look on the sentence sample. Working people should enjoy their idle hours so as to strike a balance between their professional and personal life. तो guys working people होते हैं, उनको अपना idle hours means free time और you can say spare time को enjoy करना चाहिए, so that उनकी professional और personal life में balance बना रहे. So I have made the word use of idle hours. Guys कोई भी आप word इसके बदले आप use कर सकते हो. It may be time off, vacant hours. नेक्स्ट इज कस्टमर. गाइज हमारे पास आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 में ऐसे टास्क हैं डाटा बेस्ड ऑन द कंपनीज या क्लाइंट्स के ऊपर. तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं वर्ड्स? द सिनोनिम्स फॉर वर्ड कस्टमर, बायर, परचेजर. तुम बोल रहे होंगे कि इतने कॉमन वर्ड है ना. गाइज यही तुम लोगों को याद नहीं आते एग्जाम में. सो दैट इज वाई I have made the video for you so that you can prepare your writing in a good way. Clients guys company के केस में use कर सकते हैं अगर task आपका company के ऊपर based है. Patron is guys a regular shopper means ऐसा कोई consumer या customer हो जो एक ही जगह जाता है हमेशा, उसी shop या उसी restaurant उसी place को हमेशा prefer करता है, वो regular shopping करता है वहाँ पर. That is known as patron. Now let's have a look on the sentence sample. The company should plan some special schemes for its patrons. So obviously guys patrons क्या होते हैं? आपके शॉप पे रेगुलर आते हैं, वो लॉयल कस्टमर्स हैं. So that is why the companies need to bring up or need to plan some special schemes for them. कस्टमर है तो guys obviously सेलर तो होगा. सेलर के लिए क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं इन आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2? बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन, रिटेलर. रिटेलर मीन्स आपके गाइस जो लोकल शॉप्स होती हैं. शॉपकीपर अगेन गाइस लोकल शॉप पे जो बैठता है, जो उसका ओनर है, दैट इज नोन एज शॉपकीपर. स्टोर कीपर, ट्रेडर, डीलर, वेंडर. वेंडर गाइस ये मैंने ब्रैकेट में स्ट्रीट लिखा है क्योंकि गाइस जो आपके गलियों में आते हैं या स्ट्रीट फूड भी लगाते हैं या कोई भी जो ऐसा इंसान जो स्ट्रीट्स में कोई ना कोई कुछ ना कोई ना कोई चीज सेल करता है स्ट्रीट्स में जाकर, तो उसे हम वेंडर कहते हैं. सो ये डायरेक्टली कहाँ मत यूज कर देना कहीं भी, इसीलिए गाइस मैंने ब्रैकेट में स्ट्रीट लिखा है सो दैट आपको क्लियर हो. केस में गाइस मैंने सेंटेंस सैंपल नहीं बनाया बिकॉज इट इज क्रिस्टल क्लियर. ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको क्लियर ना हो, और जो क्लियर नहीं था कैसे यूज करना है गाइज उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है वेंडर के लिए, दैट इज स्ट्रीट. तो ऐसे लोग जो स्ट्रीट में जाकर सेल करते हैं. नेक्स्ट इज वर्ड पनिशमेंट. सो व्हाट काइंड ऑफ सिनोनिम्स वी कैन यूज इन आवर आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2? पेनाल्टी, स्ट्रिक्ट एक्शन, penalized, penance, chastising. चेस्टाइजिंग गाइस तब यूज होगा जब बहुत ज्यादा स्वेयर पनिशमेंट हो. स्वेयर मीन्स समथिंग सीरियस, बहुत बड़ी पनिशमेंट हो, तब हम ये यूज करेंगे. सो हाउ टू यूज दीज सिनोनिम्स इन IELTS राइटिंग टास्क 2. लेट्स हैव दिस सेंटेंस सैंपल. क्रिमिनल्स शुड बी चेस्टाइज्ड और पेनांस्ड फॉर देयर क्राइम. मीन्स क्या मतलब है, उनको पनिश करना चाहिए उनकी गलतियों के लिए, उनके क्राइम के लिए. I hope you are clear with how to use these synonyms in IELTS writing task 2. Wait guys, quiz है. Effects के लिए क्या synonym हो सकते हैं? Let me know in the comment section and don't forget to subscribe my channel that is IELTScracker guys. I am making a lot of efforts to bring something new for you. और guys हर चीज को बनाने में effort लगते हैं. So hit that like button and don't forget to comment because guys your comments really motivate me. Thanks guys for watching. I'll meet you in my next video. Bye bye.